क्या आप जानते हैं एसियल रिपेयर सर्जरी कैसे की जाती है आर्थ्रोस्कोपी के द्वारा। पहले ओपन सर्जरी की जाती थी, पूरा नी को खोला जाता था, एक बड़ा इंसिजन होता था और सिर्फ एसियल रिकंस्ट्रक्शन मतलब नया एसियल बनाने का ही ऑप्शन था, जो हम एक टेंडन के द्वारा बनाते थे, आपकी हैमस्ट्रिंग टेंडन के द्वारा। बट अभी नई तकनीकों के द्वारा एसियल रिपेयर का भी ऑप्शन आ गया है, जिसे हम एसियल रिपेयर सर्जरी विद फाइबर टेप इंटरनल ब्रेस बोलते हैं, जो एक आर्थ्रोस्कोपी सर्जरी होती है जिसमें एक काफी छोटा इंसिजन होता है आपके घुटने के ऊपर। इस नई तकनीक एसियल रिपेयर सर्जरी में पेशेंट नेक्स्ट डे ही डिस्चार्ज आसानी से हो जाता है हॉस्पिटल में, एक लॉन्ग स्टे की जरूरत नहीं पड़ती है। क्योंकि ये सर्जरी फाइबर टेप इंटरनल ब्रेस के द्वारा की जाती है, तो आपके घुटने के अंदर ऑलरेडी एक इंटरनल ब्रेस होता है जो एक प्रोटेक्शन के तरीके से काम करता है, और पेशेंट वॉकर की मदद से वेट बेयरिंग भी, पार्शियल वेट बेयरिंग भी स्टार्ट कर देता है। इस सर्जरी में बाहर से ब्रेस की जरूरत नहीं पड़ती है क्योंकि अंदर एक इंटरनल ब्रेस दिया जाता है। एसियल रिपेयर करने के लिए सबसे पहले फीमर के ऊपर एक छोटा सा छेद किया जाता है जो लगभग 4 mm का होता है। उसके बाद टूटे हुए एसियल से एक बाइट लिया जाता है। इस सर्जरी में एडवांस इम्प्लांट का यूज किया जाता है। इसके बाद सर्जरी में एसियल रिपेयर किट का यूज किया जाता है। एसियल रिपेयर टाइट रोप 2 जनरेशन से होता है, यानी जनरेशन 2 का इम्प्लांट यूज किया जाता है। इसके अंदर बटन होता है, साथ में इसमें टेप होता है जिसे हम फाइबर टेप बोलते हैं। इंटरनल ब्रेस करने के लिए टीवीएफ में भी ड्रिल करना होता है, जो 3 mm के आसपास का होता है। टीवीएफ फीमर में ड्रिल करके टनल बना के एसियल के बाइट, इसके बाद फीमर के बटन को फ्लिप करते हैं और रोप को पुल करते जाते हैं, धीरे धीरे टाइट करते जाते हैं। रिपेयर लिगामेंट को पूरा टाइट कर दिया जाता है। लिगामेंट रिपेयर करने के बाद इंटरनल ब्रेस किया जाता है। ऊपर फीमर का बटन उस ड्रिल से फ्लिप करके एसियल रिपेयर को टाइट कर दिया जाता है। नीचे हम फाइबर टेप को स्वाइवर लॉक से टीवीएम में फिक्स कर देते हैं। ये एक एडवांस तरीके का लॉक है जो फाइबर टेप फिक्स करने के काम आता है। इस तरीके से एसियल रिपेयर फाइबर टेप इंटरनल ब्रेस से किया जाता है।